इस समय हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि डॉक्टर रोहित बेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी उसी को लेकर के यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं यह प्रतिरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं हम लोग आइए उनसे बात करेंगे कि उनका इस पर क्या नज़रिया है क्या कहना चाहेंगे देखिए आज रोहित बेमूला के शहादत दिवस का सातवा साल पूरा होने हो गया है और अभी तक रोहित बेमिला को न्याय नहीं मिला है हम इस आंदोलन के माध्यम से रोहित बेमूला को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक नहीं अभी तो रोहित बेमूला मान लीजिए सात साल पूरे होने वाले हैं अभी विगत तीन तारीख को एक और मामला हो गया है अमित प्रजापति जो नवेदे का छात्र था उसकी उम्र आठ साल थी जातिवादी कारण के चलते उसे आत्महत्या करनी पड़ी ऐसे अनेक छात्र जो एस सी माइनॉरिटी के छात्र हैं आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं ये सरकार से हमारे प्रश्न है कि जितने भी शिक्षण संस्थाने हैं उनमें एस एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के ही छात्र की आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं बहुजन एकता को मजबूत करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि रोहित बेमूला को न्याय मिल सके अच्छा क्या कारण नजर आ रहा है सात वर्ष का लंबा समय होता है वो कौन सी ताकतें हैं जो इनको न्याय दिलाने में अड़चन पैदा कर रही हैं देखिए जो वर्तमान जो सरकार है वो एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी बहुजन समाज के विरोधी है इसलिए आए दिन मतलब ये तो एक मामला था जो उजागर हो गया आए दिन सैकड़ों मामले होते रहते हैं लेकिन कोई उजागर नहीं हो पाता हम लोग वहाँ तक जो हमारे समाज के लोग हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं मामला को दबा दिया जाता है इसलिए वो लगभग ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मतलब दबा दिया जाता है इसलिए हम मांग करते हैं कार्यक्रम के गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रमुख द्वार पर अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन के तत्वधान में आज हम लोग रेहत बमूला का साधन बना रहे हैं और सरकार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो रोहित एक्ट बना था उसको और सुधार किया जाए और अच्छी तरीके से लागू किया जाए जो एस सी एस टी एक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए उसको अच्छी तरीके से लागू किया जाए हमारी यही कार्यक्रम के माध्यम से ही हमारी सरकार और शासन प्रशासन से मांग है अच्छा अगर देखा जाए तो सरकार तो बोल रही कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो उसके बावजूद ये क्यों मतलब दो डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जाना देखिए बस कहने की बात है कि सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास जबकि ये साफ साफ जाहिर है कि वर्तमान की सरकार एस सी एस माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रही है अगर सबको साथ लेकर कर चलती तो यहीं पर जब प्रियंका भारती आत्महत्या कर लेती है तो उसका जाँच हो गया होता उस दोषियों को न्याय उसको न्याय मिल गया होता और साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षण संस्थान हैं जिसमें डेल्टा मेघवाल पायल तंडवी रोहित देमूला ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो आए दिन घटते रहते हैं लेकिन ये रुकने को नहीं है जबकि हर दिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो हम लोगों तक तो नहीं पहुंच पाते कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हाईलाइट हो पाते हैं और हम लोग जान पाते हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं लेकिन जबकि हम नेशनल क्राइम ऑफ ब्यूरो का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर पंद्रह सेकेंड पर एक हत्या एक रेप हो रहा है और सरकार उसमें विफल है जो डबल इंजन की सरकार है वो एकदम पूर्ण रूप से विफल है इसको आ, कह लीजिए न्याय दिलाने में काबू करने के लिए मैं चाहूँगा कि एनसीआरबी के डेटा को एक बार और आप अपडेट करें अच्छा अभी एक स्टूडेंट हो क्या कहोगी इस मौके पर सर हम ये कहेंगे अभी तक ये भी जो भी होता आ रहा है प्रियंका हत्याकांड भी हुआ था और अमित प्रजापति वो भी आत्महत्या कर लिया ये जातिवाद के कारण ही किया है तो मैं यही है कहना चाहूँगी कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग लड़ेंगे इसको हम एक कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहेंगे आज आएगी या कल आएगी मृत्यु तो सबको आनी है पूर्वक जियेंगे जीवन हमने आज ये ठानी है कि जिए गुलामी कर किसी का हमको आज़ादी प्यारी है धिक्कार हराम की रोटी पर हमें इज्जत की रोटी प्यारी है भीख मांग कर खाने से अच्छा भूखे ही मर जाएंगे और इंसाफ लेकर ही जाएंगे हमारे साथ एक और छात्र हैं क्या कहेंगे इस मौके पर देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ जो रोहित बेमला को आज पूरे छः साल पूरे हो गए और ये सातवां साल लगा है ये इनको कहा जाता है कि इन्होंने आत्महत्या आद, किया मैं इसको आत्महत्या नहीं कहता हूँ मैं इसको संस्थानिक हत्या कहता हूँ आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि आप थक हार के अपना जीवन खुद से ले लें इसी को संस्थानिक हत्या कहा जाता है और आ, आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो रोहित बेमूला एक अकेला ऐसा आदमी नहीं रहा है इसके अलावा पायल तड़वी का भी नाम आपने सुना होगा डेल्टा मेघवाल का बहुत ही प्रतिभावान छात्र अब आप एक इमेज इमेजिन करके देखिए कि डॉक्टर रोहित वेमुला आज पढ़ लिख करके उसके ऊपर दबाव नहीं डाला गया होता तो आज वो ए, 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 इंडिया के सिस्टम में कुछ गेम चेंजिंग कर रहा होता वो इतना प्रतिभावान था लेकिन नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार होकर उसे आत्महत्या करने के लिए विवश हाँ अगर जातिवाद की आप बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जातिवाद कहाँ हो रहा है मैं आपको चलो दिखाता हूँ मैं आपको बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में दिखाता हूँ कि जातिवाद किस तरीके से अर्बन तरीके से हो रहा है जातिवाद नहीं बदला है उसको करने का तरीका बदल गया है और ऐसी पता नहीं कितनी सारी प्रतिभाएं जो हैं गला घोड़कर मार दिया जा रहा है चाहे वो आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो चाहे मेडिकल संस्थान हो चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्यों न हो चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्यों ना हो आप अभी देख लीजिए कुछ समय पहले का मामला प्रियंका भारती का था प्रियंका भारती मेरे घर के बगल में रहती थी और इस तरीके से इस पूरे मामले को गायब किया गया है कि आप प्रियंका भारती के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है आप कोई रोहित बेमुला के बारे में बात नहीं कर रहा है कोई पायल तड़वी के बारे में बात नहीं कर रहा है रोहित एक्ट नाम से एक एक्ट उस समय जारी किया गया था कि रोहित एक्ट यदि लागू होता है तो ऐसे जितने छात्रों के ऊपर एट्रोसिटी की जा रही है भले ही वो हॉस्टल में हो चाहे स्कूल प्रेमिस में हो चाहे कैंपस में हो लेकिन उस एक्ट का कहीं अता पता नहीं है वो किस ठंडे बस्ते में पड़ी है मैं चाहता हूँ कि आज जो हम लोग रोहित वेमुला के आज स्मृति में जो प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं ये प्रतिरोध दिवस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि ऐसे बहुत सारे छात्र के जीवन के साथ उनकी प्रतिभाओं के साथ दमन हो रहा है अगर ऐसे दमन होता रहा तो ये बहुत हमारे शर्मनाक बात होगी सरकार के लिए कि यदि आप छात्र पैदा नहीं करेंगे तो आप देश में देश को जो है व्यवस्थित रूप से चला नहीं पाएंगे धन्यवाद ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो छात्र कल के नागरिक होने जा रहे हैं देश के अगर वही सड़कों पर उतरने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए विवश होंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की ही छवि है मैं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि इस पर पूरी गंभीरता के साथ ठोस कदम उठाया जाए ताकि रोहित बेमुला को न्याय मिल सके